सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट मूवमेंट के ऊपर। मैक्सिमम मोबाइल प्लेयर्स के साथ क्या होता है कि उनका मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा अच्छा होता है बट उनके हेडशॉट्स नहीं लगते। आपके गेम प्ले में एक्यूरेसी और मूवमेंट स्पीड का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो जिस प्लेयर का मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होगा अगर वो 1v4 खेलने जाएगा तो उसको एनिमीज वन टैप नहीं मार पाएगा। फास्ट मूवमेंट का ये एक एडवांटेज है बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो भी अपने एनिमीज को वन टैप नहीं मार पाएगा। एनिमीज को वन टैप मारने के लिए आपको परफेक्ट मूवमेंट करनी पड़ेगी चाहे आप 1v4 खेलो या फिर 1v1। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप परफेक्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपने गेम प्ले के अंदर से ओवर मूवमेंट को कम करना है। ओवर मूवमेंट क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका एम आसमान के अंदर चला जाता है या फिर आप अपने एनिमी के ऊपर अच्छे से एम नहीं कर पाते हो, एनिमी आपका आपके सामने रहता है फिर भी आप उसे वन टैप नहीं मार पाते क्योंकि आपका अच्छे से ड्रैग नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आपके गेम प्ले के अंदर ओवर मूवमेंट से आपका कैमरा एंगल मूवमेंट में रहता है जिससे कि आप अच्छे से नहीं खेल पाते। आपका करेक्टर और आपका कैमरा एंगल जितना ज्यादा स्टेबल होगा हेडशॉट लगने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं क्योंकि जब आपका कैमरा एंगल स्टेबल होगा आपका करेक्टर स्टेबल होगा आपकी गन रिकॉइल काफी ज्यादा कम करेगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको क्लासी भाई के गेम प्ले की एक क्लिप दिखाता हूं, उसे देख के आप अच्छे से समझ जाओगे। तो आप एक एक चीज को ध्यान से नोटिस करते जाना। ये कस्टम का क्लिप है, जैसे एनिमी को देखा सबसे पहले करेक्टर को स्टेबल किया, कैमरा एंगल को स्टेबल किया, ड्रैग किया, एनमी को इजिली वन टैप लग गया। वन टैप मारने के बाद ग्लूवल लगाया, सिटअप ग्लूवल भी नहीं लगाया, सिर्फ ग्लूवल लगाया कवर के लिए। और उसके बाद जब ग्लूवल से बाहर निकले दूसरे एनमी को वन टैप मारने के लिए तो आप कैमरा एंगल को देखो कि कैमरा एंगल कितना ज्यादा स्टेबल रहा और उसके बाद इसको भी इजिली वन टैप मार। इस पॉइंट पे हम ओवर मूवमेंट कर देते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि हम ग्लूवल लगाने के बाद स्क्रीन को बहुत ज्यादा घुमा देते हैं जिससे कि हम फिर अपने यहाँ पे अपने कैमरा एंगल को अच्छे से सेट नहीं कर पाए। अब इसके आगे देखो, जैसे ही दूसरा एनमी मिला तो जो स्टेप पहले किए थे वैसा ही किया और फिर हेड की साइड को ड्रैग किया और एनमी को इजीली वन टैप हेडशॉट लगा। हमारे साथ क्या होता है कि जब हम एनमी को देखते हैं तो हम फास्ट फास्ट मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये चीज आपने भी नोटिस की हो। यही चीज आती है ओवर मूवमेंट के अंदर और इसे आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कैमरा एंगल पे फुल कंट्रोल। मूवमेंट आपने इस तरीके से करनी है जिससे कि आपका कैमरा एंगल ना बिगड़े, क्योंकि अगर कैमरा एंगल बिगड़ेगा फिर आप अच्छे से एम नहीं कर पाओगे और जब आप एम नहीं कर पाओगे आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। अब आपका कैमरा एंगल कहां कहां पे बिगड़ता है और कैसे बिगड़ता है ये चीज आपको नोटिस करनी है गेम खेलते टाइम और उसके बाद उसे फिक्स करना। इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको स्मूथ का गेम प्ले दिखाता हूं और स्मूथ के गेम प्ले में आप इस चीज को नोटिस करना कि स्मूथ किस तरीके से मूवमेंट करता है जिससे कि उसका कैमरा एंगल बिल्कुल स्टेबल। सबसे पहले तो आप ये देखो कि स्मूथ के गेम प्ले में जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया ओवर मूवमेंट, वो चीज देखने को नहीं मिली। और जब कोई प्लेयर फालतू मूवमेंट नहीं करता है उसका कैमरा एंगल बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। जैसे यहाँ पे स्मूथ ने एनमी के ऊपर फायर किया बट इसे वन टैप हेडशॉट नहीं लगा, उसके बाद वेपन स्विच किया और दोबारा से एनमी को वन टैप हेडशॉट मारा। अब इस पॉइंट पे हमारे साथ क्या होता है कि जब हम ड्रैग करते हैं तो हमारा कैमरा एंगल बिगड़ जाता है और जब हम वेपन स्विच करके दोबारा से फायर करेंगे तो हमारा एम पहले से बिगड़ जाएगा, कैमरा एंगल इधर उधर हो जाएगा और या तो हमारा बॉडी शॉट लगेगा या फिर एनमी हमें मार देगा। अब इस पॉइंट पे कैमरा एंगल को कंट्रोल करने के लिए आपका हैंड कंट्रोल गजब का होना चाहिए। हैंड कंट्रोल के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कस्टम हुड पे प्रॉपर हैंडसेट और सेंसिटिविटी पे कंट्रोल। जब तक आप एनमी को फ्रेम के अंदर अच्छे से नहीं लोगे आपका वन टैप हेडशॉट तब तक नहीं लगे, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि आपने फालतू मूवमेंट नहीं करना। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ग्लू वॉल से बाहर आओ, मतलब कि ग्लू वॉल लगाने में ही बिजी मत। एग्जांपल आप स्मूथ और क्लासी भाई दोनों के गेम प्ले में देख सकते हो कि ये प्लेयर्स ग्लू वॉल लगाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते या फिर ग्लू वॉल लगाने में ही बिजी नहीं रहते। मोबाइल प्लेयर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ज्यादा मूवमेंट दिखाने के चक्कर में फालतू में ग्लू वॉल लगाने में ही बिजी रहते हैं। जब आप फालतू ग्लू वॉल लगाने में बिजी रहोगे फिर आप अच्छे से एम भी नहीं कर पाओगे और कैमरा एंगल को कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। जैसे आपने क्लासी भाई की क्लिप में देखा था कि जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे क्लासी भाई ने ग्लू वॉल के साथ कवर लिया और उसके बाद वो खुले में आके खेल रहे। जब हम ग्लू वॉल लगाते रहते हैं तो हम खुल के नहीं खेल पाते और उसी टाइम कोई सामने से एनिमी आता है और फिर वो हमें वन टाइम मार के चला जाता है और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा हेडशॉट नहीं लगता है। हेडशॉट लगेगा कैसे, आप खुद मिस्टेक कर रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि हमारा हेडशॉट नहीं लगता। सीधा सीधा कहूं तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके हेडशॉट नहीं लगते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको खेलना नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हेडशॉट नहीं लगते। मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी इन दोनों को आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, तभी आपके गेम प्ले के अंदर एक परफेक्ट मूवमेंट आएगी और तभी आपका गेम प्ले परफेक्ट गेम प्ले बन पाएगा। तो अगर आपको इस टॉपिक का सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर आप 3-5-1 लाइक कंप्लीट करवा देना, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट भी बना दूं। तो बस फिर गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय।